बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की वीडियो में हम आपसे शेयर करेंगे कि JF-17 ब्लॉक 3 तैयारों में राफेल तैयारों से एंगेजमेंट के हवाले से क्या जरूरी तब्दीलियां की गई हैं। इसी वीडियो में आपसे रेडार, इंजन और स्पीड के हवाले से लेटेस्ट अपडेट्स भी शेयर करेंगे। पाक फिजाइया में ऑपरेशनल JF-17 तैयारों की तादाद 138 है, जिनमें ब्लॉक 1, ब्लॉक 2 और ब्लॉक 2 ही के ड्यूल सीट वर्जन JF-17B के 26 तैयारे शामिल हैं। पाक फिजाइया की तरफ से पाकिस्तान एरोनॉटिकल कम्प्लेक्स कामरा को 50 JF-17 ब्लॉक 3 की तैयारी का ऑर्डर पहले ही मौसूल हो चुका है, जबकि 31 दिसंबर 2020 को एयर चीफ मार्शल मुजाहिद अनवर खान ने एक पुरवकार तकरीब में JF-17 ब्लॉक 3 की इन कंट्री प्रोडक्शन को शुरू करने का बाकायदा ऐलान किया था। दोस्तों, JF-17 तैयारा लाइट वेट मल्टी रोल फोर्थ जनरेशन का हामिल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है और खास बात यह है कि JF-17 को ब्लॉक बिल्डिंग अप्रोच के तहत बनाया गया था, जिसकी बदौलत इन तैयारों में मॉड्यूलर अप्रोच के तहत न्यू टेक्नोलॉजी और एवियोनिक सिस्टम को बआसानी इंटीग्रेट किया जा सकता है। ब्लॉक 3 तैयारा ब्लॉक 2 तैयारों की निस्बत ज्यादा वजनी और आवाज की रफ्तार से दुगना उड़ने की सलाहियत रखता है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक JF-17 ब्लॉक 3 में की जाने वाली मेजर अपडेट्स के बाद ये तैयारा F-16 तैयारों से भी ज्यादा जदीद बन जाएगा। दोस्तों, अब बात करते हैं JF-17 ब्लॉक 3 की बॉडी और कॉकपिट के बारे में। रिपोर्ट्स के मुताबिक JF-17 ब्लॉक 3 की बॉडी का मटेरियल दीगर ब्लॉक्स के मुकाबले में लेस डेंस जबकि ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया जाएगा। पायलट के लिए लार्ज होलोग्राफिक वाइड एंगल हेडअप डिस्प्ले भी ब्लॉक 3 का हिस्सा होगा, जिससे पायलट को रियल टाइम सिचुएशनल अवेयरनेस फराहम होती रहेगी। JF-17 ब्लॉक 3 में पहली मर्तबा स्टेल्थ टेक्नोलॉजी को एड ऑन किया गया है, जबकि J20 स्टेल्थ जेट्स में इस्तेमाल किया जाने वाला इंटीग्रेटेड कॉकपिट डिस्प्ले भी ब्लॉक 3 तैयारों में एम्बेड होगा। रेडार की बात करें तो भारत के राफेल तैयारों में मौजूद एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैंड एरे रेडार की मौजूदगी से इंडियन एयरफोर्स को जो लिटिल बिट एज हासिल था, JF-17 ब्लॉक 3 में एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैंड एरे रेडार की इंटीग्रेशन से खत्म हो जाएगा। दोस्तों, JF-17 ब्लॉक 1 और ब्लॉक 2 तैयारे रफ्तार के मुताबिक भारतीय राफेल तैयारों पर बरतरी रखते हैं। राफेल तैयारा महज 1390 किलोमीटर पर और की रफ्तार तक उड़ने की सलाहियत रखता है, जबकि JF-17 ब्लॉक 2 की मैक्सिमम स्पीड 1960 किलोमीटर पर और तक की है। ब्लॉक 3 तैयारे में रूस ही का लेटेस्ट RD-93MA इंजन लगाया जाएगा, जो JF-17 ब्लॉक 3 को 85 किलो न्यूटन के थ्रस्ट के साथ आवाज से दुगनी रफ्तार मुहैया करेगा। JF-17 ब्लॉक 3 2 मैक यानी 2496 किलोमीटर पर और की रफ्तार से उड़ने की सलाहियत रखता है, जिससे इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि राफेल रफ्तार के मामले में JF-17 ब्लॉक 3 के सामने कहीं भी खड़ा नहीं होता। भारतीय राफेल को काउंटर करने के हवाले से सबसे बड़ा चैलेंज आर्मामेंट्स के हवाले से हार्ड पॉइंट्स को लेकर था। ब्लॉक 1 और ब्लॉक 2 में सिर्फ 7 हार्ड पॉइंट्स मौजूद थे, जबकि ब्लॉक 3 तैयारों में 10 हार्ड पॉइंट्स मौजूद होंगे, जिससे JF-17 ब्लॉक 3 तैयारा ज्यादा वेपन्स को कैरी कर सकेगा। दोस्तों, JF-17 ब्लॉक 3 तैयारा बआसानी भारतीय राफेल तैयारे को एरियल एंगेजमेंट में मात देने की सलाहियत रखता है। आने वाली वीडियो में आपसे बहुत जल्द JF-17 ब्लॉक 3 और भारतीय राफेल तैयारे का ऑनेस्ट कंपैरिजन भी शेयर करेंगे। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय से आगाह करें। शुक्रिया। फी अमान अल्लाह।